एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है, मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ या फिर ज़्यादा, और छोटी छोटी रील्स में भी बताते रहती हूँ। इसके बाद भी जब मैं पूछती हूँ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सबसे पहले एक्टॉपिक प्रेगनेंसी लिखा हुआ था, क्योंकि जिन लेडीज़ को एक्टॉपिक हो चुका है उनके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास क्या चांसेस हैं प्रेगनेंट होने के, और क्या मैं वापस से एक्टॉपिक में तो नहीं चली जाऊँगी। तो यस, आज हम एक्टॉपिक के बारे में एक डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली एक्टॉपिक होता क्या है। एक्टॉपिक यानी कि आपके यूट्रस के अंदर बच्चा ना होके यूट्रस के बाहर है। अब आप मान के चलिए जो आपका यूट्रस है वो बाहर की तरफ खुला हुआ है, विजयना से अगर हम सर्विक्स के अंदर जाते हैं तो सीधे यूट्रस में जाते हैं। अब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मैडम डीएनसी कर दो, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में डीएनसी क्यों नहीं हो सकती, ये तो बच्चा खराब हो गया, डीएनसी कर दो। डीएनसी में आप पेट के अंदर नहीं जा सकते ना, आप सिर्फ जो यूट्रस है जो आपके विजयना से कनेक्टेड है आप वहां तक जा सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से मशीन से उसको क्लीन करके बाहर आ सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है मिसकैरेज यानी कि एबॉर्शन में और एक्टॉपिक में। ओके, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में आपकी ट्यूब के अंदर, जनरली ट्यूब के अंदर बच्चा पनप रहा है। अब होता क्या है, अंडा जो है ओवरी से निकलता है, ट्यूब उसको ऐसे कैच करती है, बॉल की तरह कैच करती है, और उसके बाद ये दोनों ट्यूब और अंडा साथ साथ थोड़े थोड़े हिलते हुए ट्यूब के बीच में पहुंचते हैं। इधर से स्पर्म आता है यूट्रस के अंदर से विजयना से, और यहाँ पर आके दोनों मिलते हैं। 3 दिन में जब ये बच्चा बनने लग जाता है उसके बाद ये लुढ़क के ट्यूब इसको वापस यूट्रस की तरफ धक्का दे देती है। अगर ट्यूब धक्का नहीं देगी यानी कि ट्यूब के अंदर कोई रुकावट है, ट्यूब के अंदर कोई सूजन है, कोई बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अटका रही है, जैसे पहले कोई सर्जरी हुई है या बाहर की तरफ एंडोमेट्रियोसिस है, अंदर एडिजन्स हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्लेमीडिया इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है, गोनोरिया इन्फेक्शन हुआ है, गंदे गंदे जो इन्फेक्शन होते हैं विजयना के, यूट्रस के, जो ऊपर तक फैल जाते हैं, जिसको हम STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, या PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं, इन सब कारणों की वजह से, या फिर किसी किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एनाटॉमिकली उनकी बनावट ऐसी कि ट्यूब इतनी लंबी है। अब जब वो ट्यूब इतनी लंबी होती है तो एग को बहुत लंबा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बीच में आके थक जाता है। वैसे ही स्पर्म आया, अब वो आपस में जायगोट तो बन गया, बच्चा तो बन गया, अब उसको लड़क के आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं बीच में ही वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो उसके बावजूद आपको एक्टॉपिक हो रहा है, या फिर कभी कभी आप ऐसी दवाइयाँ ले रही हैं जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूब की जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है ऐसे ऐसे उसको धक्का देने की, वो कम हो गई है। वो दवाइयाँ कौन सी हैं, जैसे आप पिल्स ले रहे हैं, आप जो कंबाइंड पिल्स लेते हैं जो 21 डेज की टैबलेट्स आती हैं, अब 21 डेज की टैबलेट्स वैसे तो बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये बच्चा होने ही नहीं देती, आपका ओवुलेशन पूरा बंद कर देती हैं, लेकिन किसी किसी केस में तो फेलियर होता ही ना, 1000 में से 1 में फेलियर होता है। जिनमें फेलियर होगा उनमें चांसेस एक्टॉपिक के ज़्यादा हैं, बजाय कि वो यूट्रस के अंदर बच्चा ठहर जाए। ठीक है, इसी तरह से जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल्स लेते हैं जिसको हम POP बोलते हैं, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, पेशेंट्स को नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे उसके साइड इफेक्ट्स पसंद नहीं है, इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह, ऐसे केस में भी बहुत ज़्यादा चांस हो गया एक्टॉपिक के अगर फेल हो गई तो। तीसरा कारण होता है कॉपर्टी। अब यूट्रस के अंदर तो हमने कॉपर्टी डाल दी, तो यूट्रस तो बिल्कुल रेडी नहीं है बच्चे के लिए, यूट्रस बोलेगा मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, तो बच्चा बेचारा क्या करेगा, तो बच्चा बाहर ट्यूब में फंस जाएगा। राइट, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यानी कि पेट के अंदर बच्चा है लेकिन यूट्रस में नहीं है, बच्चा तो है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, BHCG आपका पॉजिटिव आएगा, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, आपको सारे सिम्टम्स होंगे, पेट नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी 2.5-3 महीने से ऊपर जाती नहीं है। फिर जहाँ पे वो पनप रही है वो यूट्रस थोड़ी ना कि उसको भगवान ने क्षमता दी इतना बड़ा होने की, इतना सा यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन ट्यूब क्या इतनी बड़ी हो सकती है, नहीं, वो फट जाएगी 1.5-2 महीने में, ओवरी वो फट जाएगी 2 महीने में। कई बार बच्चेदानी के अंदर नीचे के हिस्से में जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह, उसको सर्वाइकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, कोई 30,000-50,000 में कोई एक प्रेगनेंसी वहाँ पर आती है, उसको भी एक्टॉपिक बोलते हैं। लेकिन उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो एक अकेली ऐसी प्रेगनेंसी है जिसको हम DNC से निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर ही फंसी हुई है नीचे की तरफ, लेकिन वो है भी एक्टॉपिक, वो है नहीं नॉर्मल, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो भी फटेगा, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इतना बड़ा 9 महीने का बच्चा पाल ले, तो वो भी 1.5-2 महीने में ब्लीडिंग होकर निकलना शुरू हो जाएगा, और बहुत सॉलिड ब्लीडिंग होती है। ठीक है,
तरह तरह की और प्रेगनेंसीज है जिनको कि एक्टोपिक बोलते हैं, जैसे कि पेट के अंदर पूरा पूरा बच्चा। मैंने एक बार और आपको बताया था वीडियो में, मैं पीजी कर रही थी थर्ड ईयर में, हमारे पास एक केस आया था, वो केस जर्नल में भी पब्लिश हुआ था। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में अभी से 2 या 3 केसेज हुए होंगे जिसमें पूरा का पूरा बच्चा पेट के अंदर पल गया। मतलब पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई, 9 महीने तक वो बच्चा जिंदा रहा, क्योंकि उस बच्चे ने अपने आप को आंवल से कनेक्ट कर लिया, लिवर से, या तो लिवर से या आंतों से, वहां से वो ब्लड लेता रहा। यूट्रस इतना छोटा सा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, यानी कि पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, आंतों के साथ खेल रहा है। ऐसे में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, माँ को दिक्कत हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि बच्चा उसका टिश्यू सारा आंतों से के साथ सिकुड़ रहा है, तो बच्चा भी पनपता नहीं है, माँ भी नहीं पनपती, माँ को भी दिक्कत हो जाती है। पर कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सिजेरियन करके बच्चे को निकाला गया। हम इसकी बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे ट्यूब की प्रेगनेंसी की, क्योंकि 97% 100 में से 97 केसेस ट्यूब के अंदर ही फंसते हैं। अब ट्यूब भी बहुत लंबी होती है, ट्यूब का कुछ हिस्सा जिसको हम इंटरस्टीशियम बोलते हैं वो यूट्रस के अंदर होता है, तो वहां पर प्रेगनेंसी को काफी जगह मिल जाती ग्रो करने की, क्योंकि यूट्रस के अंदर है देखा जाए तो एक तरह से, लेकिन है ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब ऐसे पाइप की तरह यूट्रस में घुसती है। तो इस पाइप के अंदर, इतनी सी पाइप के अंदर काफी क्षमता होती है कि 3-3.5 महीने तक ग्रो करती रहे। फिर जब ये फटती है तो पेशेंट को जबरदस्त ब्लीडिंग होती है और ये बहुत खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके बाहर की तरफ आए तो ट्यूब बहुत पतली होती है, वो पतला सा पोर्शन, ये बहुत जल्दी फटता है, 1.5-2 महीने में, बल्कि 1.5 महीने में फट जाता है। उसके आगे चलते हैं तो ट्यूब का सबसे मोटा वाला पोर्शन आता है एम्पुला, जहां पर बच्चा एक्चुअली फर्टिलाइज होता है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी हम एम्पुला को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये जो एम्पुला है, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा फंसे, और 2-2.5 महीने में ये भी फट जाता है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन, पहले तो मैंने बता दिया ये मिसकैरेज नहीं है, है मिसकैरेज, लेकिन इसको डीएनसी करके नहीं निकाल सकते, इसको निकालेंगे अपन ऑपरेशन से। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्या मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वापस होगी, क्या मेरी आप ट्यूब निकाल दोगे, अगर आप मेरी ट्यूब निकाल दोगे तो मेरी फर्टिलिटी 50% रह जाएगी। तो पहली बात तो, अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी दोनों ट्यूब्स खराब हैं। उसको लैप्रोस्कोपी करके डॉक्टर ने बताया था कि एक ट्यूब तो पूरी खराब है, दूसरी ट्यूब में भी डैमेज है लेकिन खुली हुई है। उस खुली हुई ट्यूब में उसको एक्टोपिक ठहर गया, क्योंकि उसकी ट्यूब में मोटिलिटी नहीं थी, बाहर से ट्यूब में रेशे बने हुए थे एंडोमेट्रियोसिस के। अब वो ट्यूब तो फट गई, उसमें एक्टोपिक हो गया। अब अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करेंगे, आपकी जान बचाने के लिए और उस बेकार प्रेगनेंसी को निकालने के लिए ट्यूब तो काटनी पड़ेगी। अगर ट्यूब नहीं काटेंगे तो क्या होगा, ट्यूब को चलो हमने सिल दिया, हमने अंदर से बच्चा निकाल दिया, जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसको दवाई से सुखा दिया और वो ट्यूब अंदर रह गई, फिर वापस बच्चा उसी में फंसेगा, क्योंकि ट्यूब तो वापस कैच कर लेगी अंडे को, फिर वापस वहां पर आके स्पर्म फंस जाएगा और जायगोट बन जाएगा। तो बेसिकली ट्यूब निकालना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप आगे जाके आईवीएफ भी तो करवा सकते हो। ये तो उसकी बात होगी जिसके पास एक ही ट्यूब है। अब जिसके पास दो ट्यूब्स हैं, दोनों नॉर्मल है, एक ट्यूब खराब हो गई, तो ज़्यादातर डॉक्टर आपकी ट्यूब निकाल ही देंगे। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपकी ट्यूब को ऐसे मिल्किंग कर करके बच्चे को बाहर की तरफ पुश कर दें, उसको निकाल दें और ट्यूब को वैसे ही छोड़ दें, और बाद में आपको एक दवाई आती है मेथोट्रेक्सेट, जिसको कि एंटी कैंसर ड्रग बोलते हैं, ये एक्टोपिक में काम करती है। लेकिन ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि जो खराब ट्यूब है वापस से बच्चे को एक्टोपिक में ले जाए। तो बेस्ट सर्जरी क्या होती है, दूरबीन से आपके ट्यूब को निकाल दिया जाए। दूरबीन क्यों कह रही हूं, क्योंकि हम नहीं चाहते इतना बड़ा चीरा आपको लगे। छोटी सी सर्जरी, इतनी पतली सी ट्यूब निकालने के लिए इतना बड़ा चीरा कौन देगा, अनलेस कि आप ऐसी कंडीशन में आई हैं कि आपकी जान को खतरा है, आपका बीपी लो हो रखा है, अंदर ब्लड भर गया पेट में, क्योंकि जब यह बच्चा फटता है अंदर तो बहुत सारे ब्लड वेसल साथ में फटते हैं और आपको पता नहीं चलता। यंग पेशेंट या तो इतनी बुरी तरह ब्लीडिंग होगी कि घर में बेहोश हो जाएगी और स्ट्रेचर पर आएगी, उसका बीपी एकदम लो हो चुका होगा, ऐसे में अटेंडेंट्स को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। ज्यादातर एक्टोपिक के केसेस यंग पेशेंट्स होती हैं, चलकर आती हैं, उनके अंदर फट चुका है बच्चा, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा ब्लड बहुत सारा, अगर उसके ऊपर कुछ रख दो तो दब जाता है, तो अगर ब्लड होते होते तो वहां पर क्लॉट्स बन गए, तो उसने एक तरह से उसको दबा दिया, तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, तो पेशेंट को, यंग पेशेंट को पता नहीं चलता। जैसे हम बोलते हैं कि आपका बच्चा अंदर फटा हुआ है, तो पहली बात तो पेशेंट ऐसे देखती है, आप क्या कह रहे हैं, अटेंडेंस ऐसे कहते हैं, नहीं 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 हम कहीं और जाएंगे बात करने के लिए। तो ये जो है, ये मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद हुई है आपको समझाने के लिए कि आप बात सुनिए डॉक्टर की, आप सोनोग्राफी की फोटो खींचकर कहीं और भेज दो पूछने के लिए, पेशेंट को मत लेके जाओ, क्योंकि पेशेंट के अंदर एक बम का गोला है, वो फटा ना तो वो पेशेंट एकदम ड्यूरेट हो जाएगी, उसका बीपी एकदम लो कर जाएगा, क्योंकि अंदर ब्लड भर जाएगा, 3-3 लीटर ब्लड निकाले हुए मैंने बॉडी से। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुंचे कि लैप्रोस्कोपी, दूरबीन ऑपरेशन करने का टाइम नहीं है, आपको पूरा बेहोश करना पड़ रहा है और आपको फटाफट सर्जरी करके उसको निकालना पड़ रहा है, ऐसे केस में बड़ी सर्जरी करते हैं, वरना दूरबीन से आपकी ट्यूब निकालना सबसे अच्छा ऑपरेशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक है। पहली बात तो आप 6 हफ्ते पे जाके सोनोग्राफी करवा लीजिए प्लीज। जैसे ही आपके 15 दिन ऊपर चढ़ जाएं, सबसे पहले डेटिंग स्कैन जिसको बोलते हैं, आप सोनोग्राफी कराइए देखने के लिए, एक बच्चा है कि 2 बच्चे हैं, बच्चा कहाँ है, एक्टोपिक है कि यूट्रस के अंदर है, नहीं दिख रहा है तो आपके डॉक्टर बीटा
HCG करेंगे, बीटा HCG पॉजिटिव तो आएगा लेकिन दो दिन के अंदर बढ़ेगा नहीं, दो दिन के अंदर डबल नहीं होगा। दो दिन के अंदर डबल हो गया यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर है, सही बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है लेकिन डबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब एक्टोपिक के चांसेस हैं। तो ये दो तरीके जिससे आपको पता चलेगा, या फिर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि यूट्रस के अंदर हल्के हल्के साइंस आने शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा गलत जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या बिना सर्जरी के रिजॉल्व नहीं होती? अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बिना सर्जरी के रिजॉल्व करना है तो वो जनरली मिस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको एक्टोपिक है। जब आप पेन लेकर, ब्लीडिंग लेकर और इतना बड़ा मास लेकर सोनोग्राफी में आते हैं, ऐसे केस में बहुत रेयर होता है कि आपकी दवाई से रिजल्ट आ जाए। हालांकि अगर किसी किसी केस में इतना छोटा सा बच्चा दिख रहा है जिसमें हार्ट एक्टिविटी नहीं है और आपका जो पूरा जो डायमीटर है, जो सैक का डायमीटर है, वो बहुत छोटा है, आपका बीटा HCG भी बहुत कम है, 1500 के आसपास, 2000 के आसपास है, और आपको कोई पेन नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, तो एक तरीके का क्रॉनिक एक्टोपिक हो गया, यानी कि पुराना एक्टोपिक हो गया। ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि आपको दवाई देके, मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शंस देके फॉलोअप में हफ्ते हफ्ते से बुला के चेक करा जाए, और हाँ कुछ केसेस में अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है और आगे जाके एक्टोपिक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। मैंने खुद ने अपने 25 साल के करियर में शायद सिर्फ 2 पेशेंट्स को अभी तक मेथोट्रेक्सेट लगाया है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑपरेट हो गई, ट्यूब निकल गई, एक ट्यूब है मेरे पास, वापस प्रेगनेंसी का चांस कब लूं? तो किसी भी सर्जरी के बाद जब आपकी यूट्रस के आसपास सर्जरी होती है, इसमें तो हमने यूट्रस पे कोई कट नहीं लगाया, यूट्रस पे कट लगाते हैं तो भी 2-3 महीना बोलते हैं, यूट्रस पे कट नहीं लगा रहे, ट्यूब पे कट लगाया है, आसपास सर्जरी हुई है तो भी 3 महीने मान के चलिए कि आपको ट्राई नहीं करना है, बॉडी को रिकवर होने दो, वापस ओवुलेशन आने दो। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी खतरनाक होती है और डॉक्टर्स क्यों आपको डराते हैं, एक्चुअली डराते नहीं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को भी इससे फायदा उठाने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है जिसके थ्रू एज अ पेशेंट आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप वहां पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एज अ डॉक्टर आप मेरे से पढ़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज हैं, एक एक चैप्टर मैंने प्रॉपर हिंदी में आपको पढ़ाया हुआ है, तो कोर्सेज पर क्लिक करिएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है, कंसल्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। थैंक यू वेरी मच।